अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर स्टडिंग दी चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। टूडेज टॉपिक इज सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स की डेफिनेशन है। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड ए बेस। सॉल्ट्स जो है ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। ठीक है, एसिड और बेस आयनिक बॉन्ड के ज़रिए मिलेंगे, एक दूसरे के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर सॉल्ट्स बना देंगे। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से मिलके बनते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव आयंस का मतलब को कहते हैं कैटायंस और नेगेटिव आयंस को कहते हैं एनायंस। ठीक है, कैटायंस ये प्रॉपर्टी होती है मेटैलिक आयंस की, मतलब जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें, ठीक है, तो उनके पास सिर्फ प्लस चार्ज रह जाता है, तो उसे हम कैटायंस कहते हैं। और ये कैटायंस डिराइव्ड होते हैं बेस से। ठीक है, डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे इसके कि किस तरह से ये बेस से ड्राइव होते हैं, तो इसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल, क्योंकि ये बेस से ड्राइव हुए हैं कैटायन, तो इसे हम कहेंगे ये बेसिक रेडिकल है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो है वो ज़्यादातर बेसिक ही होती हैं, तो इसलिए बेस से जो हमें आयंस मिलेंगे वो पॉजिटिव आयंस होंगे और उन्हें हम बेसिक रेडिकल कहेंगे। ऑन द अदर साइड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस। एनायंस जो है वो एसिड से ड्राइव होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे एसिड रेडिकल कहते हैं। ठीक है, एसिड से किस तरह से अराइज होते हैं, एसिड से हमें पता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें इधर HCl की, ठीक है, ये एक एसिड है। अब जब ये डिसोसिएट होगा एच पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। अब देखिए क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज आ गया ना, एनायन, और ये किससे ड्राइव हुआ है, एसिड से हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एसिड रेडिकल कह रहे हैं। और ये बेसिक रेडिकल की अगर हम एग्ज़ाम्पल लिखें तो ये हम कहते हैं मेटेलिक आयन्स होते हैं, मेटल्स से निकलते हैं। मतलब इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको सिंपल बताऊं, ये सोडियम मेटल है। ठीक है, ये डिकम्पोज होगी, मतलब अब ये न्यूट्रल फॉर्म है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, ये एटम है सोडियम का। अब जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से शो करते हैं, ठीक है, तो इसके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ प्लस चार्ज। ठीक है, इस प्लस चार्ज को कैटायन कहेंगे, और ये ड्राइव किस से हुआ है, मेटल से हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल। ये टेबल है, इस टेबल में एक तरफ मेटल्स का कॉलम है, एक तरफ एसिड्स का है, और उनसे जो सॉल्ट बन रहा है वो है। ठीक है, मेटल सोडियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेगी। ठीक है, और सॉल्ट कौन सा बनाएगी, सोडियम क्लोराइड का। फिर पोटाशियम मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्ट बनाएगी। जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी H2SO4 के साथ, और जिंक सल्फेट का सॉल्ट बना देगी। कैल्शियम फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट बनाएगी। इसी तरह से सिल्वर जो है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर एसीटेट सॉल्ट बना देगी। ठीक है, इसमें आप सब में देखें ये मेटल्स हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रही है और बन क्या रहा है, सॉल्ट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें पढ़नी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे पहले जो सॉल्ट्स पढ़ा था सिर्फ डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपने कुछ नहीं करना, फिर आपने ये प्रॉपर्टीज़ देखनी है। प्रॉपर्टीज़ में देखिए, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सॉल्ट्स हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इनमें आयनिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स क्रिस्टलाइन होते हैं, ये हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो सॉल्ट्स भी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है, और उनकी भी क्या होगी, क्रिस्टल्स होंगी। अब चूंकि ये क्रिस्टल्स बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इन्हें प्रोवाइड करेंगे तो इनकी क्रिस्टल्स टूटेंगे, ये मेल्ट होंगे, और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर ये बॉयल होना स्टार्ट होंगे। इट्स थर्ड प्रॉपर्टी इज़ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। अच्छा, बहुत से सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होता है, और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या काम करता है, उस सॉल्ट के क्रिस्टल बनाने में, क्रिस्टल की शेप बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जितने अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक सॉल्ट के अंदर ऐड होंगे वो उसके केमिकल फार्मूले के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का अगर हम फार्मूला देखें CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बनाने में, क्रिस्टल की शेप बनाने में हेल्प करते हैं। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट की क्रिस्टल की शेप बनाने में हेल्प करते हैं। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस सॉल्ट के केमिकल फार्मूले के साथ लिखे जाएंगे। लास्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ना इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव, ना ये एसिड्स होते हैं ना बेस होते हैं। ऑल्दो दे डोंट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, लेकिन इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो है उनका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। आइंस इक्वल नहीं है, चार्जेस इक्वल है। मतलब सोडियम क्लोराइड के अगर हम एग्जांपल लें तो आप देखें, ज़रूरी नहीं उसमें एक सोडियम होगा और एक ही क्लोराइड होगा, इनकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। सोडियम आइन 2 भी हो सकते हैं, क्लोराइड आइन भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनके चार्जेस सेम होंगे। ठीक है, इक्वल हो गए, जैसे सोडियम +1 है, क्लोराइड -1 है। ठीक है, अब 1-1 इक्वल है ना, तो आइंस इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, चार्जेस इक्वल होना इसमें ज़रूरी है।